हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी टू पर आपका अगेन सुवेलकम है। आज के इस सेशन में हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर वर्णमाला से बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। और जो भी जो प्रश्न लिए गए हैं वे कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। बात करें हिंदी व्याकरण की तो जैसा कि JCC के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं, JCC CGL हो गया, उत्पाद सिपाही, JCC कलर या फिर अपकमिंग वैकेंसी, झारखंड पुलिस कच्छपाल व रक्षित दरोगा, जो भी JCC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं जिसमें कि पेपर वन लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश। तो यदि आप JCC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और बात करें इसके सिलेबस की, हिंदी व्याकरण में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया हूँ। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं, देन आप चैप्टर वाइज इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को करें। और रही बात चैप्टर की थ्योरी पार्ट के PDF की, इसी प्रकार व्याकरण के सभी चैप्टर के थ्योरी पार्ट का PDF यदि आप पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में कंठय ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन की यदि बात करें, कौन से वर्ण है जिनकी उच्चारण कंठ से की जाती है? वे वर्ण है का और खा, इसका उच्चारण कंठ से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, स्थान के आधार पर बताएं कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? कौन से व्यंजन का जो उच्चारण है वह मूर्धन से किया जाता है? ड और ढ व्यंजन का। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण की बात करें इसमें से यदि, तो वह है का और गा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन जिसका उच्चारण नासिक से होता है वह व्यंजन है इया। ये रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ए और आय वर्ण क्या कहलाते हैं? इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और तालव्य से। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाह वर्ण कौन से हैं? अंग और आ। ये देख सकते हैं TGT 2014 के एग्जाम में भी पूछा गया है और रेलवे के एग्जाम में भी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में बताएं कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? इसमें से यदि हम लोग बात करें किसमें द्वितीय व्यंजन है, दिल्ली में। तालब सा, मूर्धन सा, धन सा, ह, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बताएं कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? खा और गा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष यानी कि साघोष। तो इसमें से यदि हम लोग साघोष वर्ण की बात करें तो कौन से हैं? मा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, का गा जा फा, इसके नीचे जो आप बिंदु देख पा रहे होंगे इसे नुक्ता कहा जाता है। ये ध्वनियाँ किसकी है? अरबी फारसी की। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या यदि हम लोग बात करें 39 + 13, इस प्रकार कुल हो जाता है 52। छंजोगी छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छंजोगी छा यह एक संयुक्त वर्ण है और किसके मेल से संजोगी छा होता है? का, आधा का और मूर्धन सा के मेल से, इसके संयोजन से छंजोगी छा का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी शब्द कोश में छंजोगी छा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? का वर्ण के बाद। ज्ञान वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आधा जा और इया के संयोग से ज्ञा बना है। अघोष वर्ण कौन सा है?
इसमें से यदि हम लोग बात करें अघोष वर्ण की तो कौन सा है, धन सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, घा का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त यानी कि जो मेल से बना है, ज्ञान। ज्ञान किसके मेल से बना है, आधा ज्ञा प्लस इया के मेल से ज्ञान का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, जिसका उच्चारण दंत से नहीं होता है, तो वह कौन सा वर्ण है, टा वर्ण। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत। नेक्स्ट प्रश्न, छंजोगी छ वर्ण किसके योग से बना है, छंजोगी छ किन किन वर्णों के मेल से बना है, का और मूर्धन्य सा के मेल से। हिंदी वर्णमाला में स्वर्णी को कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या बात करें, कुल संख्या है 13। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, इया जो कि स्वर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है, टा वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, घा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 33। यहीं पे यदि हम लोग बात करें, प्रश्न में यदि कुल लिखा रहता तो ऑप्शन में आपको 39 देखने को मिलता, उस कंडीशन में 39 सही होता, बट क्वेश्चन में हिंदी वर्णमाला में सिर्फ व्यंजनों की संख्या पूछा गया है, इसीलिए 33 होगा इसका सही आंसर। कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 39। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर इसमें से यदि बात करें आ पश्च स्वर है, वहीं बात करें ऊ, छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी ओ बड़ी ओ, ये पांचों के पांचों पश्च स्वर है। मध्य स्वर आ, छोटा आ है जो कि वह मध्य स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अयोग वाह है, तो अयोग वाह कौन है, विसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, छंजोगी छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छंजोगी छ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण होता है तालव्य से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो कौन जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, मूर्धन्य सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तरा किसके मेल से बना है, आधा ता प्लस रा। ज्ञा किसके मेल से बना है, जा प्लस इया के मेल से। छंजोगी छा आधा का और मूर्धन्य सा के मेल से। तालव्य व्यंजन है, इसमें से तालव्य व्यंजन कौन है, चा छा जा झा, ये सभी तालव्य व्यंजन से उच्चारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर सिया रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है, तो ये किस वर्ण के व्यंजन है, ये है अंतःस्थ। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के पचमाक्षर अंगा इया मूर्धन्य ना मा, ये सभी नासिक है, अनुनासिक व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, कुल संख्या पूछे तो वही, इसमें भी कुल संख्या पूछे तो 13 आंसर, बट ओनली सिर्फ स्वरों की संख्या पूछे तो 11 आंसर। उसी प्रकार कुल व्यंजन की संख्या पूछे तो 39 और सिर्फ व्यंजन की संख्या पूछे तो 33। कंठोष्ठे ध्वनि का उदाहरण है, इसमें से यदि हम लोग बात करें कंठोष्ठे ध्वनि का उदाहरण कौन सा है, अम्ये औ। भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रमांक है, तो सबसे पहले ध्वनि, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, उसके बाद वाक्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रमांक है, कंठ तालव वतर्स्य दंत और ओष्ठ। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्व। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, इसमें से यदि हम लोग अघोष ध्वनि की बात करें तो कौन से है, ड और ढा।
इसी प्रकार आप लोगों को सभी हिंदी व्याकरण के चैप्टर का वस्तुनिष्ठ वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा।